है बात करने के लिए वो बॉलीवुड की तो जानी मानी एक्ट्रेस है ही लेकिन इस बार वो है भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत, कंगना जी आपका अभिनंदन है बहुत धन्यवाद लोग राजनीति से दूर भागते हैं बॉलीवुड वाले आप उसके और करीब आ गई हैं तो ये जोखिम क्यों उठाया आपने <laughs> वाकई में जोखिम है ये। जी। एंड फार फ्राम द ग्लैमर ऑल ऑफ यू नो हम लोग तो कितना आदि होते हैं और एक्चुअली में इम्बेसिंग भी हैं किस तरह के एक बबल में रहते हैं हमारे हेयर मेकअप से ले कर असिस्टेंट से ले कर शेफ़ ट्रेनर से ले कर और एक ये बहुत ही वास्तविक दुनिया है और जहाँ पर जितनी चाहे रूरल एरिया हो या जितना जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा जाना यू नो you know, तो खैर मुझे मेरा ये मानना है कि ये कोई पर्सनल एम्बिशन तो है नहीं कि मुझे जो है नेता बनना है लोगों को कहना चाहिए कि ये हमारी नेता है एंड अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे राजनेता बनना है देन इट इज़ वल्गर तो इन माय इन माय एक्सपीरियंस ऐसी कुछ सिचुएशन uh, बनी ऐसी कुछ uh, लोगों ने मुझे इस लायक समझा इतना uh, कामयाब समझा उस टाइम पर तो मुझे बड़ा फ्लैटरिंग लगा जब मुझे कहा कि आप खड़े होना चाहेंगी क्या Uh, यहाँ से मंडी से इनफैक्ट मुझे 2019 में भी एक ऐसी संभावना बनी थी उस टाइम भी मुझे पूछा गया था तो uh, चाहे वो मेरा वर्क वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो या मैंने वेरी ओपनली जो हमेशा सरकार का जो है वो चाहे वो भारत के राष्ट्रवादी जो सरकार का मैंने जो पक्ष लिया है या मेरी खुद की जो है वो एज एज अमेन जो संघर्ष रहा है फ्रॉम uh, मुझे नहीं लगता कि आज तक uh, भारत के इतिहास में सिनेमा के इतिहास में एक रूरल एरिया से आने वाली किसी महिला ने एक आदिवासी एरिया से आने वाली महिला ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सुपर स्टार चाहे जो भी रीज़न रहा हो उन्होंने जब मुझे ये ये संभावना जब बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने कहा अरे वाह यार हमें ऐसे सोचा है तो वाइन नॉट लेट्स गो फॉर इट लेकिन अब जो जब नानी याद आती है <laughs> <laughs> लेकिन आपको ये क्योंकि देखिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है जब

तो हमेशा ये दिल में था कि अगर कभी हो तो अपने ही प्रदेश का जो है वो सेवा करने का मौका मिले और हमारा देश हमारा जो प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा कई जगहें हैं जहाँ पे पिछड़े हुए हैं तो मुझे लगा कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मेरे प्रदेश के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी तो मैंने उस टाइम भी ये बात रखी थी कि अगर हमारे मंडी से हो तो बेटर है और दूसरी जहाँ तक आ, लोगों का मिलना और प्यार करना वो तो स्वाभाविक सी बात है दे आर सो प्राउड ऑफ मी उनको लगता है कि हमारी बेटी है और इतना आगे बढ़ी है और जो है विश्व में विश्व प्रख्यात है और जो बॉलीवुड का भी जो क्रेज़ है कोई भी नेता भी नेता जाए तो एक सेल्फी तो आजकल एक मैं तो कहती हूँ बहुत हद से ज़्यादा कल्चर हो गया है जी हद से ज़्यादा <laughs> कल्चर हो गया है लेकिन आपने बीजेपी को क्यों चुना ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वाई भारतीय जनता पार्टी ये भी सही बात है आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी जी विधायक का क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनके आप वो देखते सबसे ऊपर जो फोटो है जी 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 वो विधायक रह चुके हैं और वो भी वो दस पंद्रह साल विधायक थे कांग्रेस से विधायक थे तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो जाता है कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई वही मुझे उस टाइम पे गैंगस्टर में पापा आ गए अपना झंडा उठा के कहते बेटा अब हम राजनीति में क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे कहते रहे कि आप खड़े हो क्योंकि सरजू सिंह ठाकुर के परिवार से कोई तो होना चाहिए जी. आप अब मैंने कहा पागल हो गए हैं क्या क्या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और आप ये मतलब मुझे मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी ही नहीं ये मेरे जो शब्द जी मेरे ये शब्द और अब आप सोचा नहीं था मैंने मैंने कभी कहती होंगे बेटा तो तुम मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँ नजर बचाते हुए फिरते हैं वो सुखुजी जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको सुखुजी जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में तो वो अपने दोस्तों से नज़रें छुपाते हुए फिरते हैं अब क्या करेंगे लेकिन ये स्वाभाविक है और मैं आपको ये दिल से ये बता रही हूँ कि एक जब एक ऐसे नेता होते हैं है ना जो चाहे आप देखो सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए या एक एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और तभी हम आके और उनसे जुड़े हैं तो नहीं तो संभावनाएं तो हमेशा ही होती है मुझे क्या बहुत सारे लोग रूरल एरिया से आगे आना मैं तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। नहीं। आपको मैं मैं इस एरिया को जहां पर रहती थी और जहां पर आप पहुंची है वाकई ये बहुत बहुत बड़ी बात है बहुत प्रेरणादायक है आप तो आज के जमाने में आ रहे हैं जब यहां पे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना इतनी सड़कें है पहुंच नहीं सकता कोई सोच नहीं सकता ये गांव कहां है ये कोई मंडी शहर शे, थोड़ी ना है ये तो एक उसके अंदर भी कस्बा कस्बे से भी बहुत छोटा गांव है ये एक तरह से तो इससे एक सुपरस्टार निकलना तो नेचुरली वो पॉलिटिकल पार्टियां तो हमेशा से ही जो है वो चाहती थी कि हम इस चीज़ को तो आप कहती हैं आपको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवादी है प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करिश्माई है इसलिए आप आई लेकिन देखिए राजनीति में जब आती हैं तो आक्षेप लगते हैं जब आपको नाचने गाने वाली कहा जाता है इस तरह के शब्द कहे जाते हैं तो आप कहती हैं कि मैं एक राजपूत महिला हूँ मैं लड़ना जानती हूँ नहीं मैं ये देखिए जब एक महिला जो है वो आ... आप कहती हैं मैं नाचती नहीं हूँ मैं हड्डियाँ तोड़ती हूँ <laughs> वो वो तो खैर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी बहनें हैं चाहे वो नाचते गाने वाली भी क्यों ना हो जी। उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है सामवेद जो है हमारे शास्त्रों में वो बहुत ही एक अहम वेद है और ख़ैर खैर मेरी जो बात रही है मेरे जो रोल रहे हैं हमेशा महिला सशक्तिकरण की भूमिका मेरी रही है चाहे वो क्वीन हो या चाहे वो मणिकर्णिका हो जलिता हो या यू नो एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर मुझे खानों के साथ काम करने का जहां आप जानते हैं कोई एक्ट्रेस आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसने खानों के साथ काम करने की जो है वो रिजिस्ट किया हो या यशराज के साथ या। मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया मैंने अपनी एक जर्नी बना के रखी तो आ,

तो मेरी माता जी और सब बहुत ज़्यादा डर गए थे और उनके लिए एक बहुत रोमांटिक फेज़ रहा था तो मैं ये कहूँगी कि जब महिलाएं जो हैं फील्ड में होती हैं तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं चरित्र या यू नो या आइटम चीज़ है जो उसको देखने इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिलती हैं लेकिन जब पुरुष होते हैं तो अक्सर ये ये वर्ड्स नहीं आते हैं यू नो पुरुष का भी आप नहीं होते हैं या पुरुष कभी चीज़ हो उनको महिला जो आइटम देखने नहीं आती है ये ये जो एक डीप रूटेड सेक्सिज्म है हमारी सोसाइटी में वी मस्ट कॉल इट आउट हम पता है क्या है इस चीज़ के बारे में जो अक्सर मुझे कहा जाता है कि जो चुनाव में है नॉट डोंट मेक इट पर्सनल और मुद्दों पे लड़ो मैं कहती हूँ नहीं बात वो नहीं है बात ये है कि वी नीड टू पॉइंट इट आउट और हमें लोगों की इसमें नजर देखो ये किस इस इसे सेक्सिज्म कहते हैं ताकि हमारी बेटियों को हमारी बहनों उनको भी उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें देखिए ना उनको भी ये ये शब्दों के शोर में जो है उनकी योग्यता उनका कैलिबर उनका स्ट्रगल जो है ना वो कहीं छुप जाता है क्या आपको लगता है स्ट्रगल जो है वो पॉलिटिक्स में भी उतनी है जितनी बॉलीवुड में है महिलाओं के लिए आ,